आगे ये कंपनी बाकी है। हाँ, कंपनी सबको पता कि खाना हम लेके आ रहे हैं तभी आए, परसों बोल के आए थे रोज ये खाने के लिए, हमारे खाने के लिए ही बैठे हुए सारे, यही आना होगा। हाँ। आप बताइए, जब से 21 तारीख से हमने रोटी का शक्ल नहीं देखा, जो कि इसी हाथ से रोटी बना के देने वाला आदमी, हम कारीगर इंसान है, मैं नहीं भत्तरे कारीगर है। आज 4 दिन से पेट भर का खाना नहीं खाया हमने। होटल पे जॉब करता हूँ मैं, नॉर्थ इंडियन डिश बनाता हूँ, जो भी 500-600 मिलते हैं, लेकिन मैं डेली लेता हूँ। फिलहाल होटल बंद नहीं, इसलिए मजबूरी में पड़ा हूँ, खड़ा रहना पड़ता है। हम तंदूर का कारीगर हैं हम, ठीक है। 600 रुपये मिलते हैं तंदूर पे, रोज लेते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, लेकिन जब आते हैं कमा के यहीं सोते हैं, यहीं खाते पीते, खत्म हो जाते हैं पैसे, फिर हम जाते हैं। हमारा कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परिवार नहीं, कहाँ जाएंगे हम यहाँ से। आप बताओ भाऊ जी, मोदी ने ये करवा दिया, हम कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी, भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको, बताइए आप ये कहाँ पे जाएंगे। सब अलग अलग प्रांत के हैं ना, इनको छत छुपाने की जगह, बारिश आए तो ना सोने की जगह, सब ऐसे ही है बेचारे, और इधर पुलिस मारती है। इधर बैठो तो इधर से भगाते हैं, बोलते हैं भाग जाओ, ट्रेन बंद है, कहाँ भाग जाऊँ, घर जाने की व्यवस्था है नहीं है, बॉर्डर सब सील है। दिल्ली के लॉकडाउन का 4th दिन है, और जो नेशनल लॉकडाउन है उसका सिर्फ 2 दिन है, और जो हालात हमने अभी देखी वो एक झलक है जो पूरे देश में हो रहा है। ये थोड़ा सा गर्म कम हो जाए, ये गर्म ज़्यादा है, थोड़ा 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 इंतज़ार कर दीजिएगा, थोड़ा आप इंतज़ार कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं 1,000 लोग, 2,000 लोग, यमुना पुष्ट में 10,000 लोग इकट्ठा बैठे हैं, 6-6, 8-8 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर कोई देता है उनको एक मुट्ठी खाना, और औरतें जो हैं वो दिख भी नहीं रही हैं। औरतों की हालत, बच्चों की हालत और भी ज़्यादा है, क्योंकि जो इस तरह की भीड़ है उसमें वो शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। 21 दिन लॉकडाउन में उनकी क्या हालत होगी, भूख, अकेलापन, निराशा। कोरोना वायरस बड़ा रोग है, लेकिन उससे बहुत बड़ा रोग है गरीबी और भूख। उन देशों में आप ये लॉकडाउन कर सकते हैं जहाँ पे लोगों के पास घर है, सामाजिक सुरक्षा है, और ऐसी नौकरी है जहाँ उन्हें वेतन मिलता रहेगा। लेकिन हमारे देश में जहाँ 9 में से 10 मजदूर संगठित हैं, जिनका नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, उनकी क्या हालत है ये तो हम कल्पना करना भी दूर है। यहाँ होटल के कारीगर, बर्तन धोने वाले, साफ सफाई वाले, हर कोई मिलता है यहाँ, अच्छा अच्छा कुक भी मिलता है यहाँ पे, अच्छा कुक खाना बनाने वाला। रैन बसेरे में जगह नहीं है ना, बोलता है जो जितने हैं उतने ही हैं, बोल रहे हैं अब आगे आदमी नहीं घुसने देंगे, मारते हैं डंडों से। दाल और चावल आते हैं इतने, वो किसी को नहीं मिलते, बाहर वाले को मिलते ही नहीं है, जो अंदर है उन्हीं को मिलते हैं, वो भी थोड़े थोड़े। हम लोग बिहार से आ रहे थे, नई दिल्ली में गाड़ी रद्द हो गया तो बीच में ही फंस गए हैं। हाँ, जुगी में या पारिक में, वो लोग कहा कि रह जाओ हमारे पास, बच्चे के लिए कहाँ भटकेगा, जो हम लोग रोटी वोटी बनाएंगे तो देते रहेंगे, लेकिन वो लोग का काम बंद हो गया, वो भी नहीं कहता है कि हम कहाँ से 1 दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे। नोटबंदी से ज्यादा परेशानी नहीं, इससे ज्यादा परेशानी। नोटबंदी में थोड़ा बहुत मिल रहा था, नोटबंदी में थोड़ा बहुत तो मिल रहा था, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, बोलते कि भीड़ नहीं कर रहा इकट्ठा करना, पर वहाँ जाके पुस्तक में देखो हजारों की तादाद में चिपके हुए लोग भीड़ में है, वो इकट्ठा हुए कि हुए, उन्हें भूख लगी, उन्हें पता कि शायद यहाँ खाना मिल जाए तभी वो वहाँ पर इकट्ठा, पर उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। दुष्काल हमने 1943 में देखा, अगर हम ध्यान नहीं दें, और पहले से ही अर्थव्यवस्था इतनी मंदी में है, ये नहीं हो कि एक दुष्काल जैसी स्थिति हमारे देश में उठे।
ये जो आने वाले दिन हैं इसमें हम सबको वही गांधी जी की बात याद रखते हुए, उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जब हम अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में भी हम लोग सब चिंतित रहें और सरकार से अपनी उनकी आवाज़ अपनी आवाज़ से जोड़ के पहुँचाएँ कि ऐसी व्यवस्था ना करें जहाँ जैसे लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस तो बाद में मारेगी, पहले भूख हमें मार देगी। एक टाइम का किचड़ खाने के लिए कम से कम 9-9:30 बजे खड़े हो जाओ, बैठे रहो लाइन पे तो कम से कम 11 बज जाता। बड़े मुश्किल पेट के वजह से जीना पड़ रहा है, अब क्या फायदा।